दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह आदेश दिया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी के 5 समन के बावजूद सीएम केजरीवाल के पेश न होने के खिलाफ ईडी द्वारा दाखिल याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया। ECMM दिव्या मल्होत्रा ने यह फैसला लिया। ईडी ने कोर्ट में याचिका देते हुए कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल पब्लिक सर्वेंट है और उन्हें जो समन भेजा जा रहा है उसकी तामील नहीं कर रहे। ईडी की तरफ से भेजे गए समन को सीएम केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी की गैर कानूनी बातें बता रही हैं। ऐसे में ईडी इस मामले को कोर्ट तक ले गई है और अब यह आदेश जारी किया गया है। सीएम केजरीवाल को पहला समन 2 नवंबर को भेजा गया था, दूसरा समन 21 दिसंबर को भेजा गया, तीसरा समन 3 जनवरी को, इसके बाद 13 जनवरी को चौथा और 31 जनवरी को पांचवा समन जारी किया गया। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि शराब घोटाला पूरी तरह से झूठा है। आपकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि 54 अभी तक नहीं निकल पाए हैं। बीजेपी के नकारात्मक राजनीति कर रही है। वहीं दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी शासित केंद्र की सरकार अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहती है, अरविंद केजरीवाल को कुचलना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। किसी इन्वेस्टिगेशन का दिखावा भी केंद्र सरकार की ईडी ने खत्म कर दिया, तो ये बिल्कुल साफ है कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कुचलने की एक साजिश है। थैंक यू। कुछ भी नहीं लिखा है इस कागज में। इस कागज में पहले पन्ने पे लिखा है कि 2 जीमेल के अकाउंट का डाउनलोड कर रहे हैं और फिर उसके बाद लिखा है कि हम आपके 3 फोन लेके जा रहे हैं। ना किसी केस का जिक्र, ना किसी ECIR का जिक्र, ना किस तहत वो विभव कुमार जी जो सीएम के PS है उनके घर आए हैं उसका जिक्र, क्या इन्वेस्टिगेट करने आए हैं उसका जिक्र, ना कोई सर्च, ना कोई पूछताछ, ना किसी कागज को देखना। बस 16 घंटे बैठ के गए। क्यों? क्योंकि पूरी मीडिया में माहौल बनाना था कि मुख्यमंत्री के PS के घर पे 16 घंटे रेड चल रही है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस बहाने बदनाम करना था। अरविंद केजरीवाल जी के जो समन भेजा गया था ईडी के द्वारा, उसकी सुनवाई है, क्या उम्मीद है आप लोगों को? और ये माना जा रहा है कि अब देखिए, नजरिया स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं। और अब उन्होंने कल की छापों के बाद तो हर नकाब भी उतार दिया है, उन्होंने दिखावा भी खत्म कर दिया है कि किसी केस के तहत हो रहा है, किसी लिकर पॉलिसी के स्कैम के तहत हो रहा है, कोई घोटाला हो गया। अब तो बिना किसी केस के छापे मारे जा रहे हैं, बिना किसी ECIR के छापे मारे जा रहे हैं, बिना किसी सर्च के 16 घंटे छापे पड़ रहे हैं, जिसमें 16 घंटे बाद मात्र 2 ईमेल्स को डाउनलोड किया जाता है और 3 फोन लेके वो चले जाते हैं। क्या ये है देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी? क्या ये है देश की वो एजेंसी जिसका काम है टेररिज्म के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, नारकोटिक्स ट्रेडिंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना? क्या ये है वो एजेंसी जिसमें सरकार के हजारों करोड़ रुपए लगे हैं कि इस देश में आतंकवाद ना हो, कि इस देश में ड्रग्स की सेल ना हो? आज ईडी को सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों में सबसे पहले नंबर पे हैं अरविंद केजरीवाल जी। इसलिए उनको, उनके पार्टी के सारे, उनके करीबियों को और आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं पर एक के बाद एक कोई केस, कोई समन, कोई धमकी बार बार दी जा रही। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी बड़ी एजेंसी, इतना पैसा उस एजेंसी में लगता है,
इतनी पावर उस एजेंसी के पास है, लेकिन उस एजेंसी को सूत्रों के हवाले से खबर प्लांट करनी पड़ती। ईडी सामने तो आए, बताए तो सही, ईडी किसी आधिकारिक स्पोक्स पर्सन को सामने तो रखे, ईडी के डायरेक्टर सामने आए, उनके जॉइंट डायरेक्टर सामने आए, उनके डिप्टी डायरेक्टर सामने आए और फिर बताएं। कम से कम अपने लेटर हेड पर तो लिख के भेजें, व्हाट्सएप पे भेजा हुआ मैसेज फ्रॉम ईडी सोर्सेज को किस आधार पे माना जा सकता है। वैसे भी ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट में हम ईडी के बयान का इंतजार करेंगे। ईडी अपना बयान दे, कोई ईडी का अफसर साइन करके बताए कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जो सीबीआई के ईडी के स्पेशल कोर्ट में जस्टिस नागपाल का आदेश था, कोई अफसर एफिडेविट पे साइन करके बताए कि हमने उसके कंटेंप्ट में जाकर सीसीटीवी में ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी है। वो बताए कि अगर कोर्ट का आदेश था और उनके सीसीटीवी में ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था तो उन्होंने कैमरा हायर क्यों नहीं किया, उसमें तो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जाती। ये साफ साफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और यही कारण है कि ईडी सामने नहीं आ रही है, यही कारण है कि कोई आधिकारिक तौर पे बयान नहीं दिया जा रहा, कोई लेटर हेड पे स्टेटमेंट नहीं आ रहा, ईडी का कोई अफसर सामने नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग ना करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ऑडियो रिकॉर्डिंग डिलीट करना टेम्परिंग ऑफ एविडेंस है, या तो एक हुआ है या दूसरा हुआ है। अब ईडी आधिकारिक तौर पर आके बताए कि उन्होंने पहला क्राइम किया है या दूसरा क्राइम किया है। थैंक यू।